वो लिखत विच कुल पांच सेंटेंसेस हैं जो असी हुने कीती। जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपने आंसर मैच कर लो। जेकर कोई गलती है तो उसके ऊपर सर्कल लगा लो तो उसनू दोबारा लिखो। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑल्सो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज एक्टिविटी। सारे बच्चे चैट बॉक्स विच नहीं, इस दे विच तुसी खुद नू अनम्यूट करोगे। स्क्रीन दे उत्ते 6 शब्द दिते हुए ने ते तुसी खुद नू अनम्यूट करके इसका वाक बनाओगे। एंड हू वांट्स टू गिव आंसर रेज योर हैंड। सब तो पहला शब्द है हीना। हीना नहीं बेटे, हीना हीना हुंदा है नकारा। हीना शब्द दा एक वाक बनाओ। मैम ये हमने अपनी कॉपीज पे लिखना है। नहीं बेटे, ये सिर्फ एक्टिविटी ओरल एक्टिविटी है, तुसी लिखोगे नहीं। मयंक मयंक बेटे हीना शब्द दा वाक बना दियो। अनम्यूट योरसेल्फ। मयंक एनी अदर? कनन यस मैम। हीना शब्द का एक वाक बनाओ बच्चे, बी एट फास्ट। हीना हुंदा है नकारा। कोई गल नहीं बच्चे, म्यूट योरसेल्फ। महाराजा रणजीत सिंह एक अख तो हीणे सन। ठीक है, उन्हां दी एक अख खराब सी, नकारा सी, ते नकारा चीज नूं कहा जांदा है हीणा। महाराजा रणजीत सिंह एक अख तो हीणे सन। ठीक है, नाउ दूसरा शब्द बेसहारा। बिरल माता बेसहारा सी। बिरद माता बेसहारा सी, वेरी गुड। तीसरा रवाना। हरनूर बंगा। मैं कल मुंबई रवाना हो गया। बेटे मैम जिस बच्चे का नेम लेंगे ना वही बच्चा खुद नू अनम्यूट करेगा। हरनूर yes, ma'am. कोई नवा वाक बना सकते हो बच्चे? मैम 14, 15, 16, 3, 4, कल असि दिल्ली जान वास्ते रवाना हो गए। नेक्स्ट गौरिका। काली अगला शब्द है काली। मैं काली काली काम किया सी। मैं काली काली अपना काम खत्म किया। चहेते चहेते शब्द। मैं अपनी माता दा बहुत चहेता हां। बच्चे अपने माता पिता दे चहेते हुंदे हन। सीमा मैडम सारे विद्यार्थियों दे चहेते हन। ठीक है, चहेते मतलब फेवरेट। नेक्स्ट अनमोल सिंह राठौर। परिवार शब्द, परिवार शब्द दा वाक बनाओ। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा परिवार बहुत वधिया है। मेरा परिवार बहुत वधिया है, गुड। मैम गिव आंसर इन चैट बॉक्स नाउ। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अगेन नॉट ऑडिबल। मैम योर वॉइस इज ऑडिबल। बेटे इट्स ऑडिबल नाउ, चेक योर ओन नेटवर्क। उदार शब्द दा विरोधी शब्द, विरोधी मतलब ऑपोजिट, बिल्कुल उलट। उदार शब्द दा विरोधी शब्द बनाओ। किस दा मैं माइक ऑफ है, सॉरी बच्चे ऑन है। सीमा रानी।
सीमा रानी बेटे स्टूडेंट ज्वाइंट विद आईडी सीमा रानी बलजोत सिंह अपना माइक ऑफ करो सीमा रानी हर्षिता बैंस बेटे हूं तुसी वड्डे बच्चे हो हर्षिता बैंस Yes. बेटे keep your mic off. उधार शब्द का विरोधी शब्द केड़ा है? नकद. ठीक है. उधार विच जदों सी किसी चीज की कीमत जो पैसे हुंदे हन वो बाद विच देने हुंदे हन ते नकद जदों सी कैश पेमेंट ऑन द स्पॉट उसे वेले कर दिंदे हां उसनु नकद कहा जांदा है. नेक्स्ट आशा शब्द का विरोधी शब्द दसो केड़ा है? आशा उम्मीद होप. आशा का विरोधी शब्द आस ते उम्मीद इदे समान आर्थिक शब्द हन. विरोधी शब्द निराशा है. आशा करना मतलब आस करना उम्मीद करना हुंदा है ते निराशा इसके उलट जो असी अपनी उम्मीद अपनी आस खो दिंदे हाँ गुआ बैठते हाँ तो उसनु निराशा कहा जाता है. नेक्स्ट उस्तत शब्द का विरोधी शब्द केड़ा है? उस्तत हुंदा है किसी की प्रेज करनी तारीफ करनी इसका विरोधी शब्द की होएगा? बिल्कुल सही विरोधी शब्द निंदा है लेकिन निंदा सही तरीके ना किवें लिखांगे? नन्ने नू सिहारी उपर टिप्पी दद्दे नू करना निंदा. शुद्ध शब्द जोड़ा चुनो. शुद्ध शब्द जोड़ा चुनो. हर ऑप्शन विच दो दो थानू शब्द दिते हुए हैं पर एक जोड़ा ही सही है. केड़ा जोड़ा सही है? गुड. शुद्ध शब्द जोड़ा है ऑप्शन नंबर वन बहना बहुत. बहना लिखते हुए बब्बा हाहे नू सिहारी नाने कन्ना बहना हुंदा है ते बहुत बब्बा हाहे नू औंकड़ तत्ता बहुत. परमनूर बेटे माइक ऑफ रखो. बलजोत सिंह बलजोत सिंह बच्चे अननेसेसरी स्क्रीन नू टच ना करया करो. फिर तो तीन जोड़े शब्द दिते हुए हैं इन्हां विचों सही जोड़ा केड़ा है? वजिंदर अंशिका अनमोल सुखवीर सिंह गौरिका. वेरी गुड. डूंगा सोहरा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है. डड्डे नू दुलैंकड़ उत्ते टिप्पी कग्गे नू कन्ना डूंगा. डूंगा की हुंदा है? डीप. एक खूह बहुत डूंगा है. सोहरा ससा हाहे नू औंकड़ रारे नू कन्ना सोहरा. सोहरा मतलब फादर. मैम जो आपकी वो नहीं आपकी स्क्रीन वो नजर नहीं आ रही बेटे. इट्स विजिबल चेक योर ओन नेटवर्क. डूंगा सोहरा सोहरा फादर इन लॉ. ओके मैम. सेकंड ऑप्शन इज राइट. अगेन मैम मैं भी हूँ. नहीं बेटे कीप योर माइक ऑफ गिव आंसर इन चैट बॉक्स. शहर टाउन मज वो फैलो सही शब्द केड़े हैं? शुद्ध रूप केड़ा है? शुद्ध शब्द जोड़ा दसो. वेरी गुड. शशा हाहे नू सिहारी रारा शहर मज मम्मी ते अद्धक चज्जा. ऑप्शन थर्ड इज राइट. ऑप्शन थ्री नेपाली अते पंजाबी शब्दां दे सही स्त्रीलिंग चुनो. सारे बच्चों नूं हुण तक पता लग गया होएगा कि नेपाली दा नेपालण ते पंजाबी दा पंजाबण
लेकिन लिखांगे किवें? हां जी वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, नेपालन पंजाबन, पीछे नन्ना नहीं अणाणा आवेगा, नेपालन नहीं नेपालन पंजाबन अणाणा आएगा, इस गल का तुसी ध्यान रखना है। ਧੋਬੀ ਅਤੇ ਭੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਧੋਬੀ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ, ਭੰਗੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਧੋਬਣ ਭੰਗਣ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਧੋਬਣ, ਭੰਗੀ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਭੰਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਆਰੰਭ ਭਾਗ, ਮੱਧ ਭਾਗ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ। ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਬੈਂਸ, ਬੇਟੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਬੈਂਸ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ ਆਰੰਭ ਭਾਗ ਮੇ ਮੈਮ 7 ਲਾਈਨਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਮ ਸਕੂਲ ਕਾ ਨੇਮ ਔਰ ਮੈਮ ਜਹਾਂ ਪਰ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਮ ਫਿਰ ਮਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਮੈਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਰੰਭ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹ 7 ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਨਮਨ, ਫੋਰਥ ਪਿੰਕ ਨਮਨ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਮੱਧ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਭਾਗ? ਸਨੀਵਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਨੀਵਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ ਜੋ ਐਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਿਤੀਕਸ਼ਾ, ਬੇਟੇ ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਜਮਾਤ ਔਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਜਮਾਤ ਔਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ, ਜਮਾਤ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
टोटल चार स्टेप ने, आप जी का आज्ञाकारी विद्यार्थी, नाम, जमात, रोल नंबर, ठीक है। सब तो पहला आरंभ भाग आएगा जिस दे विच सेवा विखे, प्रिंसीपल साहिबा, स्कूल का नाम, स्कूल केड़े शहर विच है, नैक्सट लाइन दे विच मिति कि यह पत्र केड़ी तरीक नूं केड़ी मिति नूं लिखिया गया है, मिति लिखते हुए जो मंथ है वह तुसी पंजाबी विच लिखोगे। उस तो बाद विशा आएगा कि तुसी कहना की चाहते हो, किस चीज़ नाल संबंधित है यह, जिवें स्क्रीन के उत्ते दिता गया विनय पत्र आचरण सर्टिफिकेट लैण संबंधी है। उस तो बाद तुसी प्रिंसीपल नूं संबोधन करते हुए श्रीमती जी लिखोगे। फिर साडा मध्य भाग शुरू हो जाता है। सनेमर बेनती है कि मैं आप जी दे स्कूल विच चौथी जमात का विद्यार्थी हाँ, मेरे पिता जी एक बैंक विच काम करते हैं, उन्हां दी बदली जलंधर तो अंबाला हो गई है, मैनू अपने परिवार दे नाल अंबाला जाना पवेगा, अंबाला दे ही एक स्कूल विच दाखला लेना पवेगा। उस दे लई मैनू आचरण सर्टिफिकेट करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिदा है, इसलिए कृपा करके मैनू आचरण सर्टिफिकेट दिता जावे तां जो मैं अंबाला दे स्कूल विच दाखला ले सकां। मैं आप जी दा अत धनवादी होवांगा। बेटे अत धनवादी लिखते हुए तुसी हमेशा ही गलती करते हो, अत एड़ा तत्ते नू सिहारी, धनवादी विच तदे उपर टिप्पी पाउणा नहीं भुलना। उस तो बाद अंतला भाग शुरू हो जाएगा। आप जी दा आज्ञाकारी विद्यार्थी, नाम, जमात, रोल नंबर। जेकर सिचुएशन दे विच बच्चे दा नाम ते क्लास दित्ती हुई है तो तुसी ओही नाम लिखोगे, ओही क्लास लिखोगे। जेकर सिचुएशन दे विच किसी विद्यार्थी दा नाम नहीं दिता गया, क्लास नहीं दित्ती गई, तां तुसी अपना नाम, अपनी क्लास लिखोगे, ठीक है। क्लीयर। हुण जल्दी जल्दी असी शुद्ध करो, रिवाइज कर लईए जो पीटी वन दे दौरान असी कीते हन। सब तो पहला है मेहनत। मेहनत लिखते हुए मम्मी नूं सिहारी आनी है, ठीक है। मम्मी ते ला नहीं आनी, मम्मी नूं सिहारी आनी है। मम्मी नूं सिहारी, हा हा नन्ना तत्ता। जुलम नहीं हुंदा, जुलम हुंदा है। जज्जे पैर बिंदी आनी है। शहर लिखते हुए हाहे नूं सिहारी, शशा हाहे नूं सिहारी, रारा शहर। नहर लिखते हुए भी हाहे नूं सिहारी आएगी, नन्ना हाहे नूं सिहारी, रारा नहर। सौरा लिखते हुए सस्सा हाहे नूं औंकड़, रारे कन्ना। सौरा आएगा। रहना लिखते हुए भी हाहे नूं सिहारी आनी है, रारा हाहे नूं सिहारी, नाणी नूं कन्ना। डूंगा, असी हुणी डिस्कस किया कि डूंगा लिखते हुए गग्गा नहीं, घग्गा आना है, डूंगा। दोपहर विच भी सेम चीज, हाहे नूं सिहारी। बहना विच भी हाहे नूं सिहारी। बहुत ते सौरा, देखो बहुत ते सौरा विच की है कि हाहे नूं अंकड़ आना है, ठीक है। असी बोलण विच बहुत कह दिंदे हां, औ दी साउंड कढ़दे हां, लेकिन हुंदा है बहुत, ठीक है, अंकड़ आना है। इस तो बाद पींग, पींग विच गग्गा नहीं, घग्गा आना है। मज विच भी जज्जा नहीं, झज्जा। मज नहीं, मज, झज्जा हुंदा है। कुछ नहीं, कुछ, झज्जा हुंदा है। शीशा हुंदा है, सीसा नहीं हुंदा। कंटीन लिखते हुए कक्का नन्ना नहीं, बल्कि उसकी साउंड, नक विचो साउंड आ रही है, कक्के ते टिप्पी टैंके नू बिहारी, नन्ना कंटीन होवेगा, ठीक है। जो असी लिंग बदलो किते हैं पीटी वन दे दौरान, दास ता दासी हुंदा है, पहाड़ जो आकार विच वड्डा है, जो ये साइज विच छोटा होवे असी पहाड़ी इस्त्री लिंग कह दिंदे हाँ। कुकड़ कुकड़ी, तरखाण तरखाणी, तरखाण जो लकड़ी का कम करता है, तो उसकी घरवाली नूं तरखाणी कह दिता जाता है। हिरन हिरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, मामा मामी, दादा दादी। वेट बेटे, बुड्ढा बुड्ढी, बुड्ढा बुड्ढी लिखते हुए डड्डा नहीं, टड्डा आना है। ऊठ ऊठनी, साध साधनी, नौकर नौकरानी, मेली मेलन, रोगी रोगण, धोबी धोबण,
पंगी पंगण, पंजाबी पंजाबण, नेपाली नेपालण। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ग्रामर टॉपिक्स ने वो भी असं रिवाइज कर चुके हैं। सारे बच्चों ने घरे बैठ के चंगी तरह PT1 का सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है मैम, देते अपनी